Hello everyone, so today's topic is malaria, which is a very important topic of class 12th biology. So malaria has been for thousands of years a very serious disease of tropical and temperate regions. So it was almost eliminated a few years back with the efforts of WHO and NMEP. NMEP stands for National Malaria Eradication Program, but

अगर कोई मेडिसिन ना ली जाए तो यही साइकिल दोबारा रिपीट होती है थोड़े टाइम बाद फिर से फीवर हो जाता है फिर थोड़े घंटे बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है सो so, जब फीवर हो जाता है उस टाइम पे ब्लड के अंदर पैरासाइट डिटेक्ट होता है उससे पहले नहीं होता इन क्रोनिक केसेस मतलब जो ज़्यादा डेडली केसेस होते हैं जहाँ पे जो पैरासाइट है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो जाते हैं उन केसेस के अंदर वीकनेस एंड अनीमिया अनीमिया हो जाता है क्योंकि जो आर है रेड ब्लड कॉर्पूसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रप्चर हो जाती है सो so, उसके बाद जो स्प्लीन है और लीवर है वो भी उनका भी जो साइज है वो बढ़ जाता है सो so, उसके बाद फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मलेरिया जो जल्दली इलाके हैं वहां की जो गंदी हवा है ऐसा माना जाता था कि उससे होता है इसलिए इसका जो नाम है इटालियन वर्ड है ये मलेरिया जिसमें माला का मतलब होता है बेड एंड एरिया का मतलब होता है एयर सो so, उसके बाद आ, इन अगस्त ट्वेंटी नाइन मॉस्कीटो डे सेलिब्रेट किया जाता है मॉस्किटो और मलेरिया की रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करने के लिए सो जो लाइफ हिस्ट्री है उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से होता है एग्जांपल है ये प्रोटोजोआ डिसीज़ का वो जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है प्लाज्मोडियम इट इज़ अ टाइनी प्रोटोजोआ

मलेरिया की हम वो डिस्कस करेंगे फर्स्टली प्लाज्मोडियम एंटर करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर अच्छा यहाँ पे जो वेक्टर है जो ट्रांसफ़र करता है इस पॉजिटिव एजेंट को वो है फीमेल एनफ्लिज हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि फ़ीमेल एनफ्लिज क्या करता है मलेरिया के पॉजिटिव एजेंट को ट्रांसफ़र करता है सो so, यहाँ पे फीमेल एनफ्लीज़ वेक्टर भी है और वो इंटरमीडिएट होस्ट भी है प्राइमरी होस्ट होंगे ह्यूमन बींग्स सो प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है जब भी फीमेल एनाफ्लीस जो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज है वो बाइट करती है सो so, अच्छा फीमेल ही जो है वो बाइट करती है मेल्स मॉस्किटो जनरली ह्यूमंस को बाइट नहीं करते ब्लड सक करने के लिए इसका रीजन ये है कि जो फीमेल मॉस्किटो है उसको अपने एग्स को नर्चर करने के लिए ह्यूमन ब्लड चाहिए होता है बट मेल्स को नहीं चाहिए होता है सो वो वेजिटेबल्स और लीव्स इन सब पे फीड करते हैं सो फीमेल मॉस्किटो बाइट करेगी प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगा वो ब्लड से होते हुए एंटर करता है लीवर के अंदर सो so, जो स्टेज प्लाज्मोडियम की जो स्टेज ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगी वो है स्पोरोजोइट्स स्पोरोजोइट्स जो एक इन्फेक्शियस फॉर्म है जो इन्फेक्शन कोज करती है तो स्पोरोजोइट लीवर के अंदर एंटर करेंगे वाया ब्लड ये ट्रेवल करके जाते हैं लीवर के अंदर तो वहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे अपना अमाउंट नंबर इंक्रीज़ करेंगे और फिर जो लीवर सेल्स हैं उनको रप्चर करके बाहर निकलेंगे उसके बाद ये आर के अंदर जाते हैं आर के अंदर फिर से ये अपना अमाउंट नंबर है उसको इंक्रीज़ करेंगे सो आर बी सीज रप्चर होने के बाद एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसका नाम है हीमोजोइन ये हीमोजोइन रिस्पॉन्सिबल होता है जो फीवर के टाइम पे चिली और शिवरिंग वाली जो फीलिंग आ, शिवरिंग और चिलिंग होती है उसके लिए हीमोजोइन रिस्पॉन्सिबल होता है सो so, फीवर एवरी थ्री टू फोर डे ये होता रहता है उसके बाद जब आ, कोई नॉर्मल फीमेल एनाफ्लीज बाइट करती है इन्फेक्टेड ह्यूमन को तो अब ये जो स्टेज है जो आरबीसी से रप्चर करने के बाद निकलते हैं अब ये क्या करते हैं मॉस्किटो की बॉडी के अंदर एंटर कर गए तो अब मॉस्किटो की बॉडी के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो क्या करता है रेप्लीगेट करेगा यहाँ पे फिर से अपना नंबर इंक्रीज करेगा नंबर इंक्रीज करने के बाद वो मूव करता है सेलिवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो में सो so, ये अटैच होता है और अपना नंबर इंक्रीज करता है जो स्टमक है मॉस्किटो का वहाँ पे सो so, अब ये सेलिवरी ग्लैंड के अंदर चला गया फिर अगर ये मॉस्किटो बाइट करता है किसी नॉर्मल ह्यूमन बींग को जो इन्फेक्टेड नहीं है तो अब से दोबारा से यही साइकिल रिपीट होएगी सो so, उसके बाद मलेरिया पैरासाइट के जो होस्ट है फर्स्ट है ह्यूमन सेकेंड है मॉस्किटो मॉस्किटो इज आल्सो अ वेक्टर क्योंकि ये ट्रांसमिटिंग एजेंट है ये पॉजिटिव एजेंट को ट्रांसफर कर रहा है सो so, जो ए सेक्शुअल है स्टेज वो होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्पोरोजोइड्स हैं वो ए सेक्शुअल स्टेज है ये एंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेक्शुअल स्टेज है दैट इज गेमिटोसाइट गैमेट बनते हैं वो डेवलप होती है आरबीसीज के अंदर तो गैमेट्स मेल एंड फीमेल गैमेट होंगे इनका फ्यूजन होगा जिससे फर्टिलाइजेशन से जयगोड डेवलप करता है सो तो ये जयगोट आगे जाके राइस देता है स्पोरोजोइड्स को सो तो गैमिटोसाइड्स आरबीसीज के अंदर बन रहे हैं आर के अंदर बनते हैं उसके बाद वो मॉस्किटो की बॉडी के अंदर एंटर करके वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी फर्टिलाइजेशन होने के बाद डेवलपमेंट होगी मॉस्किटो की गट के अंदर स्टमक के अंदर उसके बाद ये ट्रांसफर करते हैं सेलिवरी ग्लैंड के अंदर फिर वो मॉस्किटो बाइट करेगा किसी ह्यूमन बींग को अब ये एंटर करके दोबारा से ह्यूमन बींग के अंदर सो डैट वॉज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम So, इसमें जनरली दो स्टेज इंपॉर्टेंट है फर्स्ट गेमिटोसाइट स्टेज कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है आरबीसी के अंदर और सेकेंडली स्पोरजाइड स्टेज एग्जिस्ट कर रही है जब मॉस्किटो बाइट करता है ह्यूमन बीइंग को लिवर के अंदर वो मल्टीप्लाई कर रही है सो so, ये थी मॉस्किटो की पूरी लाइफ साइकिल एनसीआरटी की जो बुक है उसके अंदर इसका डायग्राम दिया हुआ है प्रॉपरली सो so, उसमें यही सब स्टेप्स दिखाए गए हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से सो डैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू